कि आज के बाद कोई काफिर दंगा वापस नहीं करेगा, कोई काफिर हज करने को नहीं आएगा और कयामत के मैदान में ये जन्नत में कोई काफिर नहीं जाएगा और चार महीने तक तुम्हें चलने फिरने की आजादी है। ये चार चीजों के हाँ करना, जिन जिन के साथ वायदे थे उन्होंने पैरवी की है, उस वायदे के वक्त की पाबंदी करेंगे, लेकिन जिन्होंने वायदों के खिलाफ वर्जी की है हम उनको चार महीने की मोहलत देते हैं। अगर चार महीने के अंदर तो बाद आगे वायदे से ठीक, नहीं तो चार महीने के बाद लोग शमशीर से तुम्हारे साथ बात होगा। इन चार चीजों का ऐलान मैंने करना है। आगे बताए क्या कहा जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं फिर आप ये चीज मुझे दे दें, ये ऐलान मैं ही कर दूंगा। मुस्तली मुर्ता की फकाहत को कौन पहुंचे, उनका नस्ले रसूल के मुकाबले में इज्तिहाद हराम है। नबी की नस के मुकाबले में इश्तिहाद हराम है। सरकार कहेंगे तू करेगा तो मैं जाती राय की बुनियाद पर करूं कि चलो मेरे करने का जो मकसद है उसे पूरा हो जाएगा, नहीं। नस नबी के मुकाबले में इश्तिहाद हराम है, नहीं करूँगा। कोई मेरे बारे में आए तो नहीं आ गई, उनका सरकार से जाके मुझे मुझे इसका भी क्या करते हैं, जाके पूछा कि यार सुन लो कि आपने अली मुर्ता शेर खुदा को भेजा है तो ये इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। इस पर अल्लामा बदरुद्दीन अहली उम्मदुल्कारी शरा बुखारी और सन इफाक 854 के फर्श पर उसके अंदर वो लिखते हैं कि सरकार ने फरमाया कि इसका ऐलान या मैं कर सकता हूँ या मेरी आल कर सकती है, क्योंकि तू मेरी आल में से नहीं है इसलिए ये ऐलान तू नहीं कर सकता। मुत्तकी मेरी आल है, अगर हज़रत मुख्तसर सिद्दीक जो पूरे कौम का अखाद समझा जाता है, अगर वो आदमी आले बैत में आले मोहम्मद में शामिल नहीं होता तो और कौन हो सकता है। मैं कर सकता हूँ इसलिए कि मैं तो मैं हूँ, मैंने मुआयदे किए हुए हैं। अरे क्यों कर सकता चाहिए था। अब आपका में मौलाना दाऊद साहब जो मेरे पुराने शागिर्दों में से हैं, आप तो इतने बुजुर्ग गांधी नजर आ रहे हैं जैसा मुझसे काफी बड़े हैं लेकिन मुझसे काफी छोटे हैं, और वो तशरीफ लाते हैं और 5 मिनटों में अपना खुतबा पेश करवाते हैं। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم मेरे काबिल सब देखते रहो फाखरे खानदानी सादात जनाब शाह साहब और दीगर मेरे काबिल सब देखते रहो रमाई किराम मुगाज़ी सादी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तानो मोहतरम, जहां तक तकारीर का ताल्लुक है रमाई किराम ने बड़े अहसन अंदाज में वाकिकाना अंदाज में मुतज़िलाना अंदाज में अपने अपने मखसूस अंदाज से बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अहले बैत अतहार की मोहब्बत के सिलसिले में अपनी मागुज़ात पेश की।
और ये महफिल बिलउमूम औलिया किराम और फिर खुसूस सैयदना महबूब सुखानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ दारकानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुकद्दसा में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई। मैं तकरीर अपने उस्तादों के सामने अब मुझे ये बात कहते हुए शर्म महसूस होती है कि लोग कहेंगे कि किबला शाह साहब दावत बरकातुल कुदसिया के शागिर्द इतने भी नालायक होते हैं कि जो कुछ नहीं जानते, बाहर हर जो कुछ बाजार पेश कर रहा हूं ये आप ही का फैज है और उस फैज की बरकत से चंद बाजार आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं चंद दिन पहले रात के वक्त बैठा हुआ टीवी आ था तो मैंने देखा कि वो टीवी स्क्रीन था गालिबन उम्मा, वहां पे एक पहला प्रोग्राम चल रहा था तो किसी आदमी ने दलकर से लाजम नवाज का नाम है उसने सवाल किया, वो कहने लगा और वो मौजूदी कोई औलिया किराम आलिम रिजवान के बारे में वो मौजूद था तो वो कहने लगा कि हमारे यहां यहां यूके में हम मौलवी बुलाते हैं तो कुछ दिन वो मौलवी रहते हैं फिर अल्लामा बन जाते हैं और फिर वो पीर बन जाते हैं फिर क्या कुछ बन जाते हैं और वो बकवास कर रहा था, कहता है ये सब फराड है कोई पीर नहीं। और जो वहां बैठे हुए थे वो भी ऐसे मैं जाने में पूछू थे कि किसी ने कोई माफूल जवाब नहीं दिया। अच्छा अब वो भी सच कहते हैं, वो कहते हैं भाजी कोई नहीं, कहते हैं कोई नहीं, लेकिन कैसे उनमें कोई नहीं, उनमें कोई नहीं, वली कोई भी सिवाय अहले सुन्नत व जमात की जमात के और किसी जमात में वली नहीं। ठीक है बिल्कुल उनके पास है। और ये याद रखिएगा जितनी शख्सियत बासमत होगी उतनी उसके हासिदीन भी ज्यादा होंगे और उतनी उसके मुखालिफीन भी ज्यादा होंगे। मैंने एक किताब में आप इसे लतीफा समझ ले या कुछ समझ ले बात पड़ी कि एक मर्द कलंदर और एक कुत्ते का आपस में मुकाबला हो गया। बाप कुत्ता कहने लगा कलंदर भाई महाराज छुट्टी तू कहता है वली 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 फला वली फला वली फला वली कहां है वली, मुझे तो इतना अच्छा हो गया शहर में मैंने कोई वली नहीं देखा। उसने कहा यार बात मेरी सुन, तो इनमें दो बुरी खसलतें हैं, अगर वो तू बुरी खसलतें अपने से दूर कर दे तो फिर तुझे गली गली में वली मिल रहा है। वो कौन सी दो खसलतें हैं? उस मर्द कलंदर ने कहा एक तो तुझे अल्लाह के वलियों से अदावत है जिन्होंने उनकी मोहब्बत पैदा करके फिर तू देख कि वली का क्या शान और क्या मकाम होता है, और दूसरा तेरे तुझे की बुरी खासियत है कि जब तू किसी वली को फकीर को मलंग को देखकर तुझे भौंकना शुरू कर ये भौंकना बंद कर दे, ये भौंकना बंद कर दे आप फिर मैं तुझे बताऊं कि गली गली अल्लाह के वली मौजूद है। और फिर खुसूस ये पाक खानदान खानदान सलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब करीम के सत्य में लोगों को कितनी करने वाले भाई और यह किराम की बड़ी शान है, लेकिन फिर खुसूस इस खानदान मुआज़्ज़म की जब भी दीन मुस्तफा करीम पे कोई मुश्किल वक्त आया तो इसी खानदान के चश्मे किराम ने मैदान में अमल में आकर अपनी जान की कुर्बानी तक पेश करके दीन मुस्तफा करीम को बचा जब यजीदी को फतेह पूरे उरूज पर है और कब्रिस्तान मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश की जा रही है और वो कब्रिस्तान मुस्तफवी जिसे मुस्तफा करीम ने अपने खून से सींचा है लोग उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की जान की कुर्बानी पेश करके दीन मुस्तफा का तहफ्फुज़ करवाया।
क्या बाबर आगे जो भी वक्त आता रहा इसी खानदान की कुर्बानियां पेश होती रही और जब महबूब सुभानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त मुबारक करीब आया उस वक्त दीने मुस्तफा करीब मुश्किल वक्त आ गया। आपने दीने मुस्तफा को सहारा देकर उठाया उसे तकवीयत अता फरमाई। इसीलिए तो मुहिद्दीन इसमें करना नहीं पड़ा दीने मुस्तफा करीब को असर न सिदरी अता फरमाने वाले और आज के इस मुश्किल दौर में उस्तादी और मुकर्रम फख्र खानदान सादात जनाबुल्लाह शाह साहब दावत बरकात मुतआदिया जिसके मुश्किल अदवास से गुजर रहे हैं और जिस वक्त हर तरफ से पुरफितन दौर में तेज अब्दुल अंत कर रही है उस मुश्किल वक्त में दीन मुस्तफा का तहफ्फुज़ अहल बैत अतहार की इज्जत का तहफ्फुज़ और औलिया किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की इज्जत का तहफ्फुज़ फरमाना जनाबुल्लाह शाह साहब दावत बरकातुल्लाह अलिया ने अपने जिम्मे लिया रब कायनात जल्ल व आला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे और रब कायनात जल्ल व आला हमें मसलक हक का अहल सुन्नत व जमात पे कायम दायम रखे आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी में तशी लाते हैं तारिक मुजाहिद साहब जेल भी वो बारगाह साहब में अदिया नाथ पेश करते हैं वक्त शाह नदी का या रसूल जिंदगी चंद कड़ियां यारों
ए जिंदगी चंद कड़िया यारो करना है कि माड़ा नबी पैगंबर लद्दी के नी नबी पैगंबर।